जबलपुर में एक बुजुर्ग द्वारा दुकानदार को नकली जेवर देकर असली जेवर ले जाने का मामला सामने आया। लॉर्डगंज थाना अंतर्गत सुहागण आभूषण सोने चांदी का व्यापार करने वाले दुकानदार मुकेश अग्रवाल की दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे में बुजुर्ग आदमी के कारनामे रिकॉर्ड हो गए हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर नकली सोना बेचकर असली सोने से जाने वाले शख्स असली सोना ले जाने वाले शख्स की तलाश कर रही है। दुकानदार का कहना है कि बुजुर्ग उनके पास कान के दो टॉप्स बेचने को आया था। इन टॉप्स को देखकर दुकानदार ने बुजुर्ग से कहा कि सोने के इन टॉप्स को पहले गलाना पड़ेगा, पुराने सोने के टॉप्स को गलाने के बाद ही दूसरा सोने का सामान बेचा जाएगा। दुकानदार की बातें सुनकर बुजुर्ग नकली सोने के टॉप्स लेकर वहां से चला गया। सोने चांदी के नकली जेवर लेकर बुजुर्ग दूसरी दुकान चला गया। ज्वेलर्स की दूसरी दुकान में जाकर बुजुर्ग ने नकली सोने के टॉप्स देकर असली सोने के जेवर ले गया। ज्वेलर्स के दुकान संचालक ने इसकी रिपोर्ट लॉर्डगंज थाने में दर्ज कराई है। पुलिस पीड़ित की रिपोर्ट के आधार पर बुजुर्ग की तलाश कर रही है। हमारे पास हमने जब से ये पहल चालू करी है फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया के और आज पेपर और न्यूज़ से भी, तो इस जब से हमने ये चालू करा है सिर्फ हमारे नहीं, हमारे साथ कम से कम 4-5 लोगों के फ़ोन आ चुके हैं कि उनके साथ आया हुआ है। कुछ जगह तो वो सामान पसंद करके रखा है, बोल के गया कि हम आएंगे। तो ये नहीं है कि ये व्यक्ति ने एक या गलती से कर दिया या पहले नहीं करा हो, और आज नहीं, ये जबलपुर में 3-4 हफ्ते से कर रहा है, इतनी सूचना भी हमें मिली है। तो इसलिए हमारा ये पहल करने का सिर्फ ये नहीं है कि हम उसको पकड़ लें, हम ये चाहते हैं कि और भी सराफा व्यापारी जो यहाँ के भी हों, आजू बाजू रांझी वगैरह के भी हों, उनको भी ये पता चले कि ये व्यक्ति घूम रहा है और ये सिर्फ नकली सामान नहीं बेचेगा। आज जो उसने जबलपुर की दुकानों से इकट्ठा किया है जो माल असली माल है वो भी बेचने जाएगा। तो कृपया सतर्क रहें, किसी से भी लें, असली भी लें पुराना भी लें, तो बिल भी चेक करें, लेकिन बिल के बावजूद ये भी चेक करें कि वो व्यक्ति सही है कि नहीं है। एक बार ज़रूर देखें कि आप जिस व्यक्ति से डीलिंग कर रहे हैं उसका बैकग्राउंड क्या है, उससे आपको पता चलेगा कि आपको कितना सतर्क रहना है और किससे आप सामान ले सकते हैं। क्योंकि आज तो वो जबलपुर से ले गया, विद बिल कई दुकानों से ले गया है, लेकिन कहीं ना कहीं तो बेचने जाएगा। तो जब बेचेगा या पुराना नया कुछ भी करेगा तो आप ज़रूर सतर्क रहें। और सराफा व्यापारियों से मेरी ये गुजारिश है कि वो कृपया करके अगर पता चलने पर सूचना ज़रूर दें। ये नहीं कि हमें छोटा सा घाटा हुआ है हम सह लेंगे, ऐसा नहीं। अगर आपको छोटा हुआ है तो और लोगों को भी बचा सकते हैं आप, क्योंकि हमें तो ठीक है, और लोग भी बच जाएं हमारा उतना ही बहुत काफ़ी है। यश राज अग्रवाल। इस तरह की घटना हुई थी, क्या हुआ था, कितने लोग आए? सिंगल व्यक्ति आया था और उसकी उम्र लगभग 50 से 55 साल के बीच होगी, ऐसा अपना अनुमान है। और उसने आकर के हमको अपने 2 डिब्बे देखे थे अंगूठी के सिर, उसने तुरंत एक अंगूठी पसंद कर ली थी। उसके बाद वो पुराना सोना लेके आए, हमारे पास टॉप्स थे उसके 5 ग्राम के लगभग के, तो हमने उसको देख के बोला यार ये सोना तो हमें सही नहीं लग रहा है, इसको हमें गलाना पड़ेगा, मेल्ट करके देख ले रहे 5 मिनट। तो फिर वो यहाँ से फटाक से चला गया, नहीं नहीं हमको मेल्ट नहीं करवाना है। मतलब इसमें थोड़ा हमें शंका तो हुई, और चूँकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी नहीं तो हम अपने उस फॉर्म में भी इन्फॉर्म कर देते कि भाई यहाँ एक चिटलर आया है और नकली टॉप्स या खोटे टॉप्स बेचने की कोशिश कर रहा है, तो थोड़ा ध्यान से लेना। पर वो हम इन्फॉर्म भी नहीं कर पाए वहाँ, 7:30-8 बजे की बात है। और हम अपनी ग्राहकी में लग गए, बहुत भीड़ भाड़ थी दुकान में, और वो हमारी उस वाली ब्रांच में चला गया जो आशीर्वाद मार्केट में है। और वहाँ पर क्या सेल्समैन को बातों में उलझा करके वहाँ भी 2 मिनट के अंदर अंगूठी पसंद करी और पुराना सोना दिया। और वहाँ उसने लेकिन अपना नाम दूसरा संदीप शर्मा बताया, और संदीप शर्मा के नाम से ही उसने बिल बनवाया। और इसके बाद जब वो रात में हमारे यहाँ डेली चेकिंग होती कि उस दुकान में क्या क्या काम हुआ, क्या सामान, सब रात में वहाँ का पूरा मेटाडेटा यहाँ आता है, तो हमने जैसे ही चेक किया और वो सबसे पहले वही वाला टॉप्स मेरे को देखा जो कि उसने नकली लाया था, मैंने फौरन उसको चेक किया और वो टॉप्स नकली साबित हुआ। तो मतलब वो